Welcome to our YouTube channel Sachu Education Junction Hub. This is our first video and we are going to start this video with the maths classes. और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि डिजिट्स क्या होती है और नंबर्स क्या होते हैं, कैसे ये नंबर्स बनते हैं, ओके? और इन नंबर्स का सिस्टम क्या होता है, मतलब सिस्टम जैसे कि आप काउंट करते होंगे हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख इस टाइप से, और उसी तरीके से इंडिया में तो हमारे ये चलता है लेकिन बाहर हमारे इंडियन सिस्टम नहीं चलता है। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यहाँ पे जो आपको व्यूज दिए जाते हैं वो हमेशा आप देखोगे एम लिखा होगा, स्लैश चैट पे आप देखोगे कि टी लिखा रहता है। तो ये सब जो है ना काउंटिंग सिस्टम है, और छोटा सा नंबर होता है आप उसको 10 काउंट कर लेते हो, उससे बड़ा हुआ तो 100 कर लिए, जीरो जैसे वन डिजिट में आप वन काउंट करते हो मैक्सिमम 9 तक जाते हो, टू डिजिट में आप 10 काउंट करते हो उसके बाद फिर मैक्सिमम आप 100 तक जाते हो, थ्री डिजिट में आप 100 जाते हो राइट, फिर उसके बाद फोर डिजिट में आप 1000 पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद 10,000। तो ये जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, एक से दो हो रहा है, दो से तीन हो रहा है, तीन से चार हो रहा है, डिजिट्स काउंट करते जा रहे हैं, वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट फाइव डिजिट सिक्स डिजिट्स, और ये जो नंबर्स आपके बन रहे हैं वो कैसे हो रहा है और क्या इनका रोल है। क्योंकि आप तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि 1,00,000 रुपये अगर मैं गिनने के लिए दे दूँ तो आप गिन तो लोगे, ठीक है? जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारे घर में हमारे घर वालों ने हमें इस तरीके से ऐसे सिखाया हुआ है, लेकिन वो हम इस तरीके से प्रैक्टिकली तो हमने कर लिया, बट व्हाट इज द लॉजिक, हम ऐसा क्यों काउंट करते हैं, वो हम आज सीखते हैं इस वीडियो में। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला डिजिट, मैंने डिजिट्स में लिखा है, डिजिट्स में मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो आप देखोगे टोटल काउंटिंग जो इसकी है वो 10 है, 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 9। ये डिजिट्स क्या रोल प्ले करती है, देखो आप कोई भी नंबर बनाओगे सिर्फ इनको छोड़कर, इनके अलावा कोई भी नंबर्स आपका, जैसे कि 9 के बाद तक गिनती नहीं होती हमारे पास, होती है 9 के बाद हमारे पास गिनती होता है 10, और जो वो 10 बनता है वो 1 और 0 के, 1 एंड 0 के कॉम्बिनेशन से बनता है, 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से, उसके आगे जो बढ़ता है तो 1 1 के कॉम्बिनेशन से। तो डिजिट्स जो वर्ड होता है, कोई पूछे डिजिट्स क्या होता है तो यू कैन सिंपली आंसर, आप सिंपल सा साधारण सा जवाब दे सकते हो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या है, डिजिट्स है, ओके? तो डिजिट्स अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो आप उसकी कुछ डेफिनेशन नहीं, इन नंबर्स को ही आपको एलोबरेट करना पड़ेगा, नंबर्स को ही एलोबरेट करना पड़ेगा, ओके? सो फिर वो हो गया कि अब डिजिट्स की जरूरत क्या है हमारे पास। जितने भी नंबर्स बनते हैं, जितने भी नंबर्स आज तक आपने सुने होंगे, जोड़े होंगे, जो भी चीज किया है, जहां भी आप देखो आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, या फिर किसी चीज की प्राइस होगी, ए टू जेड जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी की सारी चीजें जो बनती है उन ऑनली ऑन विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स की जरूरत क्या है, नंबर्स बनाने की, डिजिट्स की क्या जरूरत है, नंबर्स बनाने के लिए। नंबर्स जैसे 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, ओके? इसके आगे तो ये जो मैंने इसको पढ़ा 1, फिर मैंने इसको पढ़ा 10, फिर हमने पढ़ा इसको 100, फिर हमने पढ़ा 1000 10,000 lakh 10 lakh, ये क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं कि जैसे एक डिजिट बढ़ती जा रही है हम उसको किस टाइप से काउंट करते जाएंगे, ठीक है? देखो इसीलिए हमारे पास आया नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम मतलब कि हम नंबर्स को किस तरीके से हम उसको काउंट करेंगे। देखो अगर जो हर कोई अपने अकॉर्डिंग चलता जाएगा, अपना अकॉर्डिंग चलता जाएगा तो कभी मैच नहीं करेगा, कभी भी मैच नहीं करेगा। इसीलिए हमारे मैथ्स में रूल्स होते हैं, मैथ्स में आप देखोगे फॉर्मूलाज होते हैं, जो आप एक साइड से कहा जाए तो ट्रिक्स होती हैं कि हाँ अगर जो इस तरीके से इसने किया है तो इसका ये चीज आ रहा है, तो आप भी वही चीज फॉलो करो और वो आपका आ जाएगा। जैसा कि आप हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है शर्मा जी को, शर्मा जी के लड़के को देखो,
वो हमारी फैमिली या फिर आपकी फैमिली वो ये दिखाना चाहती है कि ये देखो उन्होंने इस तरीके से किया और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू अप, वो आगे बढ़ रहे हैं। सो आपको जस्ट फॉर द मोटिवेशन कहते हैं कि देखो आप को भी उनकी तरह कुछ ऐसा ही रास्ता या फिर उसी रास्ते पे आप भी चलो ताकि आप सक्सेस हो जाओ। वो हमारी फैमिली का कंसर्न होता है, ना कि ये कि हाँ हमारी फैमिली हमारे हमें नहीं समझती। ओके चलो हम अपने यहाँ टॉपिक पे रिटर्न आते हैं, नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ये नंबर्स बढ़ता गया, हम इसको 1, 10, 100, 1000 ये सारा जो पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि गणना प्रणाली है, क्योंकि नंबर सिस्टम हमें सिखाया गया है। नंबर सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंडियन काउंटिंग सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। इंडियन काउंटिंग सिस्टम को हम कहते हैं भारतीय गणना प्रणाली और इंटरनेशनल को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ओके सो इंडियन काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, अभी मैंने लिखा नहीं है बट फिर भी आपको बता देता हूं। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, अरब, टेन अरब, खरब, टेन खरब, ये इसी तरीके से हमारी जो काउंटिंग हमने सीखा है इसको हम कहते हैं भारतीय गणना प्रणाली। ओके और इंग्लिश में हम इसको कैसे रीड, इंग्लिश में भी हम इसको ऐसे ही ये हम इंग्लिश में रीड करते हैं और हिंदी में आते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, ये इंटरनेशनल में क्या होता है, वन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन, सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता है। ओके और इसी से ही चाहे कितनी भी बड़ी काउंटिंग सिस्टम हो, कितनी भी बड़े नंबर्स हो, सॉरी कितने भी बड़े नंबर्स हो, आप उनको इजीली काउंट कर सकते हो। इसीलिए हमें छोटे में सिखाया जाता है ये चीज कि आप नंबर्स को इस तरीके से गिनोगे। ठीक, जिसने भी इसको फर्स्ट टाइम गिना और उसने उसको एज अ रूल बना दिया ताकि हम भी उस चीज को सेम ही रूल फॉलो करके उसको सीख कर वहां तक पहुंच सके। और अगर जो हमारे पास एक के पीछे चार जीरो है तो हम उसको 10,000 ही पढ़ें, ताकि अगर कोई हमसे 10,000 मांग रहा है तो हम 10,000 का मतलब समझ सके कि 10,000 होता है और हम उसको 10,000 दे सके। ना कि अगर जो हमारे पास हम उस सेम रूल को ना पढ़े हो तो हमसे कोई 10,000 मांगेगा तो हम उसको 10,000 की जगह पे या तो 1,000 भी दे सकते हैं या फिर 1,00,000 भी दे सकते हैं। समझ आ रहा है, इसीलिए ये काउंटिंग सिस्टम बनाया गया कि ताकि अगर 10,000 को एक बंदा बोल रहा है तो उसके 10,000 का मतलब क्या होता है ये हमें पता रहना चाहिए। ओके क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में बताता हूं आपको काउंटिंग सिस्टम की हमारे पास नीड क्यों पड़ी। काउंटिंग सिस्टम जैसे आप पहले के देखोगे बार्टर सिस्टम चलता था, चीजों के बदले आपको चीज ही दिया जाता था, चीजों के बदले चीज। कब तक, तब कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं था। आप अगर जो ठीक है जैसे आप अगर जो किसी को अनाज दे रहे हो तो आपको उस अनाज के बदले ठीक है आपकी सहमति के साथ आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहा है या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड जो उसके वैल्यूएबल उनके अकॉर्डिंग होता था। ठीक है, उसी के साथ साथ धीरे 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 ये चीज हमारी आती गई। बट जैसा टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम चेंज होता है टाइम के हिसाब से इंसान को चेंज होना चाहिए। इंसान अगर टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम तो अभी वही के वही रह जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा है, मैंने कभी अपने आप को यूट्यूब पे अपनी वीडियोस कभी नहीं डाली। ओके क्लासेस लेता हूँ बट फिर भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाली, बट आज मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। दिस इज द अपडेट, दिस इज द चेंज, आई एम चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, मैं टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हूँ और ये चेंजेस रिक्वायर्ड है ताकि मैं अभी तक सिर्फ क्लास में मैं सिर्फ नॉर्मल अपने जिस एरिया में या फिर जिस कोचिंग क्लासेस में मैं क्लास देता था वहां तक ही मैं लिमिटेड था। बट वर्ल्ड इज नॉट सॉरी किसी के पास कोई लिमिट नहीं होती है, वी आर अनलिमिटेड। हम अगर जो एक रूम में बैठते हैं तो सिर्फ एक रूम तक के ही बारे में सोच सकते हैं, उस रूम के अंदर की चीजें। बट अगर जो बाहर निकलोगे तो आपकी नजरों में आपकी आंखों को जितनी सारी चीजें दिखेगी उतनी चीजों के बारे में आपके ऑब्जर्वेशंस होंगी। ओके सो और दूसरी चीज,
आप कभी एक चीज पे फोकस, अगर जो आप बाहर निकलोगे तो क्या सिर्फ एक चीज पे आपका ध्यान रहता है? नहीं, जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी लोग, जितनी भी चीजें, जो भी चीजें हैं, जो भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई रखा हुआ है, कुछ भी चीज है, वो सारी चीजें हमारी आंखें देखती है, वो सारी की सारी चीजें हमारी आंखें देखती है। दिस इज वाई, ठीक है, इसीलिए हमें अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। उसी तरीके से नंबर्स का, जैसे पहले वाटर सिस्टम चलता था कि चीजों के बदले चीजें देना, धीरे धीरे हमने अपने आप को कन्वर्ट किया। किसी एक महान इंसान ने नंबर्स बनाया तो उन्होंने फिर उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट किया कि हाँ, हम पैसे से इस चीज की वैल्यू कर सकते हैं आज के टाइम। ठीक है, जब पैसे से वैल्यू करना स्टार्ट किया गया तो आप देखो, अनाज के बदले प्रॉपर्टी देना, आज के टाइम पे प्रॉपर्टी कितनी कॉस्टली होता है, और अनाज भी कॉस्टली है, बट जिसके पास खाने के लिए नहीं, वो भी उसके पास ही खाने के लिए और अनाज इजिली आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी, पैसे के कारण ही। अदरवाइज पैसे ना हो तो इंसान के पास खाने के लिए या जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसी को मिल सकता है, ऐसा था। तो हर चीज की वैल्यूएशन हुई, वैल्यूएशन मतलब हर चीज की एक कीमत बन गई, उस कीमत को हमने मॉनेटरी टर्म्स के अकॉर्डिंग, हमने एक पैसा को एक इतना बड़ा पैसे को हमने एक इतना बड़ा सोर्स बना दिया, इतनी बड़ी चीज बना दी कि हर चीज की वैल्यू आज के टाइम पे पैसा है। कहते हैं इंसान की कीमत भी लगाया जा सकता है पैसे से, कि किसी इंसान की वैल्यू कितनी है उस पैसे के अकॉर्डिंग। ओके, इसीलिए काउंटिंग सिस्टम बनाया गया, और उस काउंटिंग सिस्टम का आज हम कितना यूज कर रहे हैं, और यही चीजें हमें, मुझे आपको सिखाना है, ताकि आप जब ये सीख लोगे तो आने वाले जो आपसे छोटे हैं या फिर जिसको नहीं आता है, बड़े भी हो, किसी को भी आप इजीली सिखा सकते हो। इसीलिए मैं काउंटिंग सिस्टम पे पहले आपको फोकस करवा रहा हूँ। ठीक, मेरा मानना है कि अगर आपको डिजिट्स आती है, डिजिट्स के बाद आप नंबर्स जानो, नंबर्स जब जान लोगे तो फिर सीधे काउंटिंग सिस्टम में आओ, नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम में आप पहले इंडियन काउंटिंग सिस्टम पे फोकस करो, इंडियन काउंटिंग सिस्टम, उसके बाद इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। जब इंडियन काउंटिंग सिस्टम पे आप फोकस करोगे, इंडियन काउंटिंग सिस्टम आपको आ जाएगा, तो फिर कितनी भी बड़ी डिजिट्स हो आप इजिली काउंट कर लोगे। इसके बाद की क्लास में आपको अगली क्लास में दूंगा, और इससे ये होगा, मैं उसमें आपको इंडियन काउंटिंग सिस्टम हमारा क्या क्या है, क्या क्या नहीं है वो मैं बताऊंगा, और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम क्या होता है मैं वो आपको बताऊंगा। जस्ट फॉलो मी एंड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक, बिकॉज क्योंकि मेरी जो एजुकेशन हुई है वो आपके होम टाउन से भी हुई है। आप चाहे जिस भी होम टाउन में हो, चाहे कितना भी कैसा भी होम टाउन है, जहां भी जीरो लेवल की पढ़ाई होती है वहां भी मैंने पढ़ाई किया है, जहां पे अच्छी से स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई होती है मैंने वहां भी पढ़ाई किया। सो मैं दोनों चीजों का एज अ मिक्स हूं, कि मुझे ये पता है कि अगर जो होम टाउन के लोगों को सिखाना है तो आपको मैं कैसा, आपका बेस, आप जो मैथ्स में बेस प्रॉब्लम्स फेस करते हो, वो आपको कहां प्रॉब्लम आती है, वो ए टू जेड में आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। ठीक है, जस्ट प्लीज कीप इन टच। ओके, और दूसरी चीज है, मैं आपको फोर्सफुली या मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करो या मेरे वीडियोस को शेयर करो। मेरी बस सजेशन है आपसे कि अगर जो आपको ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज आप भी सोसाइटी के लिए, आप भी किसी को सिखाना चाहते हो, प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो, आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, ताकि आप उसको सिखा सको, आप उसको बता सको कि हाँ, शेफ सर और साचू सर ने ये वीडियो प्रिपेयर किया है आपके लिए, ताकि आप ये चीज सीख सको। जब वो सीखेगा ना, सबसे पहले आपका नाम लेगा, मेरा नाम नहीं, आपका नाम वो इसलिए लेगा क्योंकि उस वीडियो को फॉरवर्ड करने वाला, उस वीडियो को देने वाला कौन है, आप। जिसको जो भी नॉलेज आएगी सबसे पहले वही बोलेगा कि हाँ, इस इंसान ने मेरे को वीडियो भेजा था। और दूसरी चीज यार, पुण्य तो हर कोई करना चाहता है, जब पुण्य करोगे तभी तो आपके पाप धुलेंगे, कहते हो ना, हाँ, पुण्य कर, अच्छे काम करते हो इसलिए ताकि आपकी गलतियों को कम किया जा सके, क्योंकि हम सबको तो एक बार एक ना एक दिन ऊपर के वाले के पास तो जाना ही जाना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कंटिन्यू, बस थोड़ा सा जस्ट ओनली 30 सेकंड गिव मी। ओके, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले हमारे पास जीरो नहीं था, बट ड्यू टू आवर इंडियन, हमारे भारतीय आर्यभट्ट जी, उन्होंने हमें जीरो का, ठीक है, हमें जीरो नंबर दिया, जिससे हमने जीरो के 9 डिजिट के अलावा हमने 10 डिजिट में भी अपने कदम रखे, और आज हम उस 10 डिजिट का कितना ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी चीज है, हम हमेशा राउंड फिगर में जाते हैं, आप ध्यान देना,
कभी भी आप ना किसी को, हाँ एक सेकंड, कुछ प्राइस टैग की बात छोड़ कर 299, 399, 1099 वो प्राइस टैग की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ में आप ज्यादातर यही चीज कोशिश करते हो कि आपके पास राउंड फिगर में वैल्यू हो, दैट इज या तो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 1000 हो, 10 लाख हो, 100 लाख हो, कितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे की सारे आप हमेशा चाहते हो राउंड फिगर में हो, और जिसके एंड में जीरो हो वो आप डेफिनेटली चाहते हो। कभी कोई नहीं चाहेगा कि उसके पास क्या कहते हैं 10 लाख की जगह पे 9,99,999 हो। खुशी आपको पैसे हैं आपके पास इतना, वो खुशी तो रहेगी, लेकिन जब तक आप 10 लाख यानी 1 रुपए जब तक उसमें आप एड ऑन नहीं करोगे तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। समझ आया? सो इस जीरो की वैल्यू इतनी इस इंडिया में, इस दुनिया में है कि हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ हम किसी लेवल को अचीव कर रहे हैं। ओके, डिजिट्स ये 0, 1, 2, 9 है और इन्हीं नंबर के रिपीट होने पर, इन्हीं नंबर के रिपीट होने पर मतलब यही नंबर जब रिपीट होता है तो हमारी अगली डिजिट्स बनती है। जैसे 1 सिंगल है, 1 डिजिट का है, 1 के साथ 0 आ गया, 2 डिजिट, 1, 2, 2 डिजिट तो हम इसको 10 पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 1 के साथ 2 जीरो आ गया तो हमने इसको 100 पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 1 के साथ 3 जीरो आया हमने इसको 1000 पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 1 के साथ 3 जीरो आया 1000 पढ़ा। 1 के साथ 4 जीरो आया 10000 पढ़ा। 1 के साथ 5 जीरो आया हमने 1 लाख पढ़ा। 1 के साथ 6 जीरो आया तो हमने 10 लाख पढ़ना स्टार्ट किया। आप देखो बार बार जीरो रिपीट हो रहा है, इसी तरीके से 1 भी रिपीट होता है, इसी तरीके से जब 1 रिपीट 1 और एक बार फिर से 1 रिपीट हुआ तो 11 बन जाता है, फिर दोबारा रिपीट हुआ तो 111 बनता है 111, तीसरी बार रिपीट हुआ तो 1111 बन जाता है। ऐसे 100 रिपीट होता जाता है, जैसे 1 के बाद जब 2 रिपीट होता है, 1 के साथ 2 रिपीट हो जाता है तो हम उसको 12 पढ़ते हैं, 1 के साथ 3 रिपीट होता है 13 पढ़ते हो, 1 के साथ 4 रिपीट हुआ 14 पढ़ते हो। इसी तरीके से आपकी जैसे जैसे रिपीटेशन कंटिन्यू रहती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो क्या कहते हैं काउंटिंग है वो आपकी आगे बढ़ती जाती है। इसके बारे में और भी बात करेंगे डीपली। एक चीज याद रखना, ठीक है, मैथ्स में आपको हिंदी से याद हो या इंग्लिश से याद हो काउंटिंग सिस्टम मैटर नहीं करता, आपको गिनती 1 से लेके 10 तक याद हो, 1 सॉरी इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो याद हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैटर नहीं करता। टेबल पहाड़े इसी नंबर से ही बने हुए, वो भी अगर तो आपको हिंदी या इंग्लिश में याद हो तो भी मैटर नहीं करता, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो यू कैन गो बी नोन। हिंदी मीडियम का लड़का अगर जो हिंदी मीडियम से याद कर रखा है और अगर जो इंग्लिश से याद कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें टेबल्स की ओनली जरूरत कहां होती है, ओनली फॉर यार मल्टीप्लाई में काम होता है, डिवाइड में काम होता है, और कहां काम होगा, कुछ भी चीज की कैलकुलेशन कर रहे हो वहीं पे काम होगा, इसके अलावा कहीं काम होता है क्या? नहीं होता ना, तो मैटर नहीं करता। बट हाँ एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं है कि मैं डिनाई कर रहा हूँ या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना से कहना है कि अगर जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों से आता है तो आपकी जो लेवल, देखो क्या है कि अगर किसी को एक चीज आ रही है तो वो तो इसी तक रहेगा, लेकिन किसी को दोनों चीज आ रही है तो वो दोनों पे भारी है ना, क्योंकि जिसको हिंदी मीडियम वाला है तो हिंदी मीडियम को तो इजीली संभाल लेगा, ठीक है, क्योंकि और पूछा गया टेबल तो। बट अगर इंग्लिश मीडियम वाला वहीं पे खड़ा और इंग्लिश मीडियम का कॉम्पिटिशन है तो फिर उसमें हिंदी मीडियम वाला कैसे पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आएगा सर। सो इसीलिए क्या है कि गुड टू नो के बेस पे हम ये चीजें कहते हैं कि हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सफा केयर, और मेरी रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है, आपका जैसा मन आप वैसा करो, अगर जो मन करता है सब्सक्राइब करने का चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अगर जो आपका मन कहता है कि सर के वीडियोस को फॉरवर्ड करना है मुझे अपने दोस्तों या फिर कोई रिलेटिव छोटे बड़े जो भी एक्स वाई जेड है आप उनको सिखाना चाहते हो, आप उनको ये चीजें नॉलेज देना चाहते हो प्लीज शेयर। ओके, और अगर जो सजेशन हो मेरे लिए कि नहीं सर यहाँ पे हम ये चीजें कर सकते हैं आप यहाँ पे ये चीज ऐसे कीजिए तो प्लीज कमेंट, या फिर अगर जो आप थोड़ा बहुत मेरे को भी मोटिवेट करना चाहते हो कि सर प्लीज और वीडियोस बनाओ प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सफा केयर, बाय।